स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों आज हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज के बारे में, जो कोई भी कर सकता है, चाहे उसका रिलीजन एक हो या लड़का लड़की का धर्म अलग ही क्यों ना हो। शादी के लिए पेरेंट्स तैयार हो या ना हो, चाहे वह इंडियन लड़की से शादी करना चाहते हो या फिर किसी विदेशी से शादी करना हो, तो भी आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा भारत एक देश है, तो आप कहीं भी जाकर अपनी सुविधा अनुसार वहां के कंसर्न मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, जिससे समय और पैसे दोनों की तो बचत होती ही है। और सबसे खास बात ये है कि ये कानूनी रूप से एक वैलिड मैरिज होती है। तो चलिए इसकी प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कोर्ट मैरिज करने के लिए या कोई भी मैरिज आपको करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला, जो लड़की है उसने अपनी 18 साल उम्र कंप्लीट कर ली हो और जो लड़का हो उसने अपनी 21 साल की उम्र कंप्लीट कर ली हो। दूसरा, दोनों की ही वैलिड कंसेंट हो, यानी वो साउंड माइंड हो और उनकी कंसेंट फ्री हो, बिना किसी दबाव में वो अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो। इसके अलावा दोनों ही सिंगल होने चाहिए, यानी अनमैरिड हो। अगर शादीशुदा हो तो कोर्ट से उनकी डिवोर्स हो गया हो, यानी कोर्ट की डिग्री उनके पास होनी चाहिए डिवोर्स की। और अगर उनके पहले कोई पति या पत्नी की डेथ हो गई हो तो वैलिड प्रूफ के साथ आप दूसरी शादी कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन जिनका हिंदुओं को ध्यान रखना है वो ये है कि जो अगला पार्टनर है वो उनकी प्रोहिबिटेड डिग्री में ना आता हो, यानी वो उनसे भाई बहन बुआ आदि के रिश्ते में ना लगता हो। तो साथियों अगर आप इन बातों का ध्यान दे देते हैं, यानी ये कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको मैरिज के लिए अप्लाई करना होता है कोर्ट मैरिज के लिए, जिसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको चाहिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जो आपकी 10th की DMC हो सकती है। दूसरा, आपको रेजिडेंस का प्रूफ चाहिए। तीसरा, आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे एग्जाम्पल के लिए आधार कार्ड हो गया। और इसके अलावा आपको चाहिए अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो, जिसके बाद आपको अपने मैरिज रजिस्ट्रार जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी DC या फिर अगर उसने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है तो फिर ADM कोई भी हो सकता है, आपको उसके ऑफिस में जाकर वहां से एक फॉर्म लेना है आपको मैरिज का। उसको आपको भरने के बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए हैं उनको आपने लगा देना है। इसके अलावा आपको एक एफिडेविट भी अटैच करना है उसके साथ, और आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट के साथ उस रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर देनी है, जिसके बाद आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है, जिसमें जो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी मैरिज से संबंधित एक नोटिस जारी करते हैं, जिसे वह अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड में और इसके अलावा जो नेशनलाइज न्यूज़पेपर होते हैं उनमें वो नोटिस को पब्लिश किया जाता है इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्म में। लेकिन साथियों यहाँ एक मिथ रहता है कि नोटिस आपके माता पिता के पास जाता है, ऐसा नहीं होता है। नोटिस को मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में और न्यूज़पेपर में ही पब्लिश किया जाता है, घर में नहीं भेजा जाता है। नोटिस इशू होने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन करना है तो वो ऑब्जेक्शन मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके दे सकता है। ऑब्जेक्शन रेलिवेंट होना चाहिए, जैसे लड़का लड़की की एज कंप्लीट नहीं है या फिर वो पहले से ही शादीशुदा है। इस टाइप के ऑब्जेक्शन अगर कोई देता है तो उस पर फिर इंक्वायरी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस बैठाता है। इंक्वायरी के बाद अगर ऑब्जेक्शन शॉर्ट आउट हो जाता है या फिर ऑब्जेक्शन फॉल्स निकलता है या कोई ऑब्जेक्शन आता ही नहीं है, इन सभी सिचुएशन में मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको एक कॉल आता है, आपको एक डेट दी जाती है जिस डेट पर आपको पेश होना होता है फिजिकली। आपको यानी ब्राइड और ग्रूम दोनों को, लड़का लड़की को, विटनेस के साथ, जो विटनेस 3 हो सकते हैं वो कोई भी हो सकते हैं। लॉ में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि विटनेस माता पिता या भाई बहन या फिर रिश्तेदार होने चाहिए, विटनेस कोई भी हो सकता है, वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो आपको 3 विटनेस को लेकर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट होना है और विटनेस को अपने साथ ले जानी है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट और साथ ही अपने पासपोर्ट साइज फोटो। जिसके बाद जब आप मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में पेश होते हैं तो वहाँ कुछ सिंपल सी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होती है। मैरिज रजिस्ट्रार के सामने आपको सिग्नेचर करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। इसके बाद कई ऑफिस में तो आपको हैंड टू हैंड मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाता है और कई बार नेक्स्ट डे भी वो आपको मिल सकता है। तो साथियों ये तो थी प्रोसेस कोर्ट मैरिज की। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 2 प्रकार से शादियां होती हैं, पहली रिचुअल्स के साथ और दूसरी विदाउट रिचुअल्स। रिचुअल्स के साथ शादियां जैसे हम नॉर्मली करते हैं, शादी के कार्ड बांटते हैं या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करके रिचुअल्स के साथ अपनी मैरिज करते हैं अपने रीति रिवाजों से। जैसे अगर आप हिंदू हैं तो आप आर्य समाज में अपनी शादी करते हैं या फिर मंदिर में करते हैं शादी। आप सिख हैं तो गुरुद्वारे में करते हैं या फिर आप निकाह करते हैं। तो यानी आप अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग अपनी शादी करते हैं और उसके बाद उस शादी को रजिस्टर्ड करवाते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन करते हैं।
जिसके लिए आप मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में अप्लाई करते हैं, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से हो सकता है। दोनों ही प्रोसेस हम आपको पहले ही वीडियो के रूप में साझा कर चुके हैं, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरी होती है विदाउट रिचुअल्स के मैरिज, जो होती है टिपिकल कोर्ट मैरिज, जिसके बारे में हमने आज की वीडियो में डिटेल में समझा है। तो साथियों, ये दोनों प्रकार से मैरिज करना पूरी तरह से वैलिड होता है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको मैरिज का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह से लगता है कि आपकी जान को खतरा है, यानी आपके परिवार वाले अगर आपकी शादी के खिलाफ है और अगर उनसे आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कोर्ट पुलिस और आपके परिवार वालों को डायरेक्शन देती है कि वह किसी भी तरह से आपको परेशान ना करें। तो साथ ही अब आप समझ ही गए होंगे अलग अलग तरीकों से जिससे मैरिज को किया जाता है और उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी जान किसी भी प्रकार से खतरे में है शादी के दौरान या शादी के बाद भी, तो आप उसके लिए कोर्ट की प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो आशा है दोस्तों कि आज की हमारी ये जानकारी आपको समझ आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए कानूनी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।